सीबीजे की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता दे, जहां उदयपुर से बड़ी खबर, कन्हैयालाल साहू हत्याकांड, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार मामले की जांच एनआईए कर रही है और मामले में सातवां आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है, फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला गिरफ्तार हुआ है और इससे पहले एनआईए ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। बड़ी जानकारी अहम खबर, जहां कन्हैयालाल साहू हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। लगातार मामले की जाँच की जा रही है और एनआईए लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इस मामले में एक और आरोपी यानी कि सातवां आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अब तक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पटेल सर्कल पर गिरफ्तारी हुई, हत्याकांड के दूसरे दिन बबला को डिटेन किया था और कई दिनों की पूछताछ के बाद आज उसे गिरफ्तार किया गया। तो बबला ने रियाज को हत्या के बाद वीडियो बनाने को कहा था और कन्हैयालाल साहू हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी अहम खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पटेल सर्कल पर दीवान शाह कॉलोनी का निवासी है आरोपी, हत्याकांड के दूसरे दिन बबला को डिटेन किया गया था तो कई दिनों की पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बबला ने रियाज को हत्या के बाद वीडियो बनाने को कहा था। तो उदयपुर से बड़ी जानकारी, कन्हैयालाल साहू हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, पटेल सर्कल पर दीवान शाह कॉलोनी का निवासी है और हत्याकांड के दूसरे दिन बबला को डिटेन किया गया। तो कई दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें, बबला ने रियाज को हत्या के बाद वीडियो बनाने को भी कहा था और बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी, मामले में सातवां आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर फरहाद मोहम्मद शेख उर्फ बबला गिरफ्तार हुआ है। तो इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है और एनआईए लगातार इस मामले की जांच कर रही है। इसी बीच बड़ी जानकारी, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक जोशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्योंकि सातवां आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तारी कैसे हुई और जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि फरहाद अहमद शेख, जिसकी पटेल सर्कल दीवान शाह कॉलोनी में रहता है और वहीं पर इसकी एक मीट की शॉप है और जहां पर जो खांजीपीर के और इस इलाके के जितने भी इस तरह के लोग हैं उनकी बैठक यही हुआ करती थी, तो यहीं पर जो है वो जो आरोपी रियाज है वो यहाँ आया जाया करता था। और एनआईए की पूछताछ में सामने आया है कि जो बबला है इसने ही रियाज को ये हत्याकांड करने के बाद वीडियो बनाने की सलाह दी थी और उसके साथ जो है इसकी जो रेकी है, जो कन्हैयालाल की रेकी है, वो भी जो है इनकी एक टीम के द्वारा की गई है, उसका भी जो ये बबला है वो एक सदस्य था। पुलिस ने हत्याकांड के दूसरे दिन ही इसे हिरासत में ले लिया था, डिटेन करके पूछताछ कर रही थी, बीच में इसे छोड़ दिया गया और उसके बाद एनआईए ने फिर से इसे डिटेन किया और पूछताछ की है और फाइनली इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में पुलिस अब तक 6 लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुकी थी और ये जो बबला है ये सातवां आरोपी है जिसकी गिरफ्तारी एनआईए ने की है और इनसे लगातार जो है वो पूछताछ जारी थी। इनसे कई सारे इनके जो ठिकाने हैं, इनके साथ और कौन लोग जुड़े हुए हैं, इन तमाम विषयों पर जो है वो पूछताछ जारी थी और वो पूछताछ पूरी होने के बाद पुलिस ने जो है बबला को भी गिरफ्तार किया है और अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल अभिषेक, क्या अब तक की पूछताछ में बबला से अगर पुलिस ने पूछताछ की हो, क्या कोई अन्य खुलासे हुए हो? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि बताया जा रहा है कि इनकी कुछ 40 से 45 लोगों की टीम थी जो इन्होंने व्हाट्सएप पर कोई ग्रुप बना रखा था और उसी में लेके इस तरह की चर्चाएं होती थी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, पुलिस की तरफ से कोई घोषणा इसमें नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह से सूत्रों से जानकारियां मिल रही है उसमें यही बात सामने आई है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप पे 40 से 45 लोगों का इनका एक समूह था, उसमें जो है वो इस तरह की बातें ये किया करते थे और उसमें जो कई सारे लोग और भी है उनसे भी जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है और उनमें भी कई लोगों की गिरफ्तारियां होने की जो है वो संभावना है। और जिस तरह से रियाज मोहम्मद की हम बात करें तो उसके घर की जब तलाशी ली गई तो उसके घर से कई मोबाइल और सिम और कुछ दस्तावेज मिले हैं
जिसमें बताया जा रहा है कि ये कट्टरपंथी जो इनका जो समूह था उससे ये लोग जुड़े हुए थे, दावते इस्लामिक संगठन से, कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए थे। उसी में जो ये जिसे गिरफ्तार किया है बबला को, वो भी उससे जुड़ा हुआ था और वसीम और रियाज का ये काफी करीबी था। तो ऐसे में जिन आरोपियों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है उनका करीबी ये बबला था, तो इसको भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई दिनों तक इससे पूछताछ हुई, इसने कई सारे राज पुलिस को बताए होंगे और उसके बाद इसे जो है वो गिरफ्तार किया गया और अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि अभी तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिलहाल NIA इस कार्रवाई को किस तरीके से आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर कोई अपडेट? जी बिल्कुल, बता दूं कि NIA जो है वो लगातार इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुए है और पुलिस का जो NIA पुलिस जो भी है इसका उदयपुर आने जाने का क्रम लगातार जारी है। जिस तरह से NIA यहाँ पहुंची थी, इनके अलग अलग ठिकानों पर NIA की टीम ने दबिश दी थी, उसके बाद कई अहम सुराग इन्हें लगे हैं। एक अमजद करके आरोपी और है जहां पर जो ये रियाज और ये दोनों हैं ये हत्याकांड के बाद गए थे, वहां इन्होंने कपड़े बदले थे, उसके बाद एक पेट्रोल पंप पर इनका CCTV भी इनकी मोटरसाइकिल का सामने आया है जहां पर एक शख्स हेलमेट पहनकर जो है वो पेट्रोल भरवा रहा था। तो ऐसे में वो शख्स कौन था जो हेलमेट पहनकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा और अमजद जिसकी दुकान पर ये लोग पहुंचे थे वो अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है, पुलिस उन्हें पकड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, क्योंकि लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, ऐसे में क्योंकि फिलहाल करीब 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या मुमकिन है कि आगे और गिरफ्तारी हो? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मामला है और इसी वजह से इसकी जो जांच है वो NIA को दी थी। जिस तरह से पुलिस ने अब तक 40 से 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, उनमें जो संदिग्ध थे उनको चिन्हित कर लिया गया है। उसके अलावा जो भी जहां भी इन्होंने कहीं ट्रांजेक्शन किए थे, किसी को फोन पे पे पेटीएम पर किसी तरह का कोई पेमेंट किया था, उनसे भी पुलिस जांच कर रही है और अब तक की जांच में पुलिस ने 50 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है, जिनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे भी कई लोगों की गिरफ्तार होने की संभावना है क्योंकि इनके जो तार हैं वो कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, ये किससे संपर्क में थे, उन लोगों तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार NIA की टीम के द्वारा दबिश दी जा रही है और फिलहाल ये अपडेट आपको बताया, जहां पर छह के बाद अब 7वां आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है, अब आगे की कार्रवाई जो है लगातार NIA द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।